कानों के मिट्टी हैं बहुत उपजाऊ है और उस मिट्टी के कारण उनके पंजाब के जो शरीर आते हैं वो थके थके एकदम चुस्त शरीर वाले हैं। अब आप कलाहंडी मिट्टी के जो यहाँ बच्चे पीकी होते हैं ऐसा करके बदनाम है पूरे भारतवर्ष में पूरा वर्ल्ड में कलाहंडी में माए अपने बच्चों को बेच देते हैं ऐसे पेपर में और टीवी में कई बार ऐसे समाचार संवाद आ चुके हैं। यानी यहाँ गरीबी है और गरीबी क्यों है उसके पीछे कारण होने तो मट्टी मट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए आवश्यक है गोबर। यानी किसी भी धरती को अगर आप उपजाऊ बनाना चाहते हैं तो वहां पर गोबर डाल दें। अच्छा ये से नहीं समझना कि गोबर बहुत डाल देने से मिट्टी उपजाऊ हो जाए, नहीं, उसका एक सही मात्रा है। ज्यादा गोबर डालेंगे मिट्टी बन जाएगी, कम डालेंगे तो भी मिट्टी आपको एक उदाहरण देंगे। आप दूध से दही बनाते हो तो अच्छा दही बनाने के लिए जो जामुन जो कर लीजिए 10 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध को सही दही बनाना है तो कितना जामुन चाहिए। ऐसे ही मट्टी को भी एक एब्सोल्यूट अमाउंट एक सही मात्रा में गोबर का आवश्यकता है। इसके ऊपर बहुत रिसर्च अन्वेषण किया गया। एक एकड़ जमीन पे कितने मिट्टी कितने गोबर डाले थे तो उसका बहुत विज्ञान है। मैं बता नहीं जाऊँ क्या होगा उसे नहीं। आज कैंसर महामारी के रूप में और ये कैंसर रूप महामारी से बचने का तरीका इलाज अगर देखा जाए एलोपैथी वालों के पास नहीं है, वे सीधा सीधा केमो देते हैं या फिर ऑपरेशन करो। पुरुषों का प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड
प्रकार का बीमारी आज के समय तो जो भी बीमार मृत्यु का संख्या ज्यादा। इन बच्चों में
ज्यादा जीव को उसमें मृत्यु का संख्या कम। ये जो बचपन से ऊपर उठना जवानी और जवानी से बुढ़ापा इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, और जो घटने जाता है उसको बोलते हैं तो जो जीव को छोड़ने के समय दो प्रकार के जीव कोष एनाबॉलिक सेल्स एंड कैटाबॉलिक सेल्स। ये सेल किसी भी कारण विकृति होकर एक गलत रूप ले लेते हैं। अच्छा चलिए इस बारे में समझते हैं। कैंसर शब्द को ले उसको ऐसा कहा जाता है कि सड़ना, कोई चीज सड़ गया यानी वो अपने प्राकृतिक रूप में नहीं। क्यों विकृति हो? विकृति के पीछे ही कारण है कि प्राकृतिक तत्वों पे हम लोग काम नहीं किए। जैसे जमीन पे गोबर डालना, गोमूत्र डालना, पत्ते वगैरह डालना ये प्राकृतिक है, लेकिन जमीन पे यूरिया डालना ये विकृति है। तो इस प्रकार के जैव विकृति हमारे शरीर में सबसे बड़ा विकृति के रूप में कैंसर के रूप में बाकी। अब देखिए पंजाब, पंजाब की मिट्टी वहां से उपजा लोग खाते हैं खाए और यहां पर ऐसा स्थिति पहुंचा कि कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन चला रहा है। ये देखो तो इसीलिए नहीं कि अगर आप गोमूत्र इस मिट्टी में इस मिट्टी रूप में शरीर में जैसे भगवान गीता में क्षेत्र क्षेत्र योग के बारे में बताया कि ये ऐसा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर थोड़ा गोबर थोड़ा गोमूत्र डालते हैं तो आपका प्रकृति सुरक्षित रहने वाला है। अगर इसमें विकृति डालते हैं तो प्रकृति विकृति के रूप में काम करेगी, इसका परिणाम होगा आपके शरीर में कैंसर दे सकता है। बस तो क्या है हम उसको टारगेट कर सकते हैं।